हाई एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी मेरा नाम है सीपा आउजा है एंड आई बाली एजुकेटर इन नीट यू जी कैटेगरी तो बेटा आज दो दिन की वजह से आज का दिन बहुत स्पेशल है सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरी वन हु इज सेलिब्रेटिंग आई रियली विश कि इस गणेश चतुर्थी आप गणपति जी को तो अपने घर ला ही रहे हैं वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएँ एंड आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम ईयर में देखो जिस साल सिलेक्शन होता है ना चाहे वो 2024 हो चाहे वो 2025 हो वो साल आदमी को कभी नहीं भूलता किस बैच के हो 2024 बैच के किस बैच के हो 2025 बैच के है आई रियली विश कि बेटा उनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए आपके लिए बहुत सारी विशेज आए एंड बेटा अगले साल आप नीट क्रैक करके ही उनकी पूजा कर रहे हो अपनी अगली गणेश चतुर्थी पे तो पहला रीजन ये है आज के स्पेशल होने का दूसरा रीजन बेटा जी आज के स्पेशल होने का क्या है दैट इज कि आज के ही दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन ही बेटा एनडीए ने नीट एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एक पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अगले साल का अकेडमिक कैलेंडर बताया है कि जेई कब होगा सीयूईटी कब होगा नीट कब होगा किस मोड में होगा ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। तो जो चीज़ हमें बहुत पहले से डेट मोस्ट प्रॉब्लम यही रहेगी सब चीजें बिल्कुल ठीक रही तो, तो इसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमारे प्लान में, कुछ चेंज आना चाहिए क्या हम जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें देखिए बेटा सबसे पहले तो पैनिक नहीं आना चाहिए ये आपके लिए कोई भी नई खबर नहीं है आपको ऑलरेडी पता था यार यारे में, में होना है ये भी पता था कि में के फर्स्ट संडे को होना है कैलेंडर अगले साल का सब देख चुके हैं फर्स्ट संडे बेटा ऑफ को पड़ता था तो ये हमें पहले पता था लेकिन जब कंफर्मेशन आ जाती है है ना तब ऐसा लगता है कि क्लॉक है स्टार्टेड टिकिंग है ना अब वार्निंग आ चुकी है कि भाई अब भी अगर तूने नहीं किया अब भी नहीं सीरियस हुआ तो गड़बड़ है मैं डिले नहीं कर रहा हूं एक्चुअली बच्चों के अंदर ना थोड़ी सी एक उम्मीद होती है काश पेपर पोस्टपोन हो जाए काश पेपर जून में हो जाए जुलाई में हो जाए बट मैं आपको बता दूं ये सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का तरीका अच्छा है कि यार टाइमली उन्होंने रिलीज कर दिया ताकि हमारे माइंड में अब क्लैरिटी है कि मेरे पास कितने महीने बचे हैं मेरे पास बेटा बचा है अगर मैं देखूं इट्स सेप्टेम्बर इट्स ओवर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तीन साल इस तीन महीने इस साल के देन जनवरी फेबर मार्च अप्रैल चार महीने अगले साल के टोटल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास बेटा जी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सेवन मंथ्स बचे हैं अब इन सेवन मंथ्स में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है बेटा जो चीज तुम्हें अपने ड्रीम से दूर लेकर जा रही है वो नहीं करना है वो हो सकता है आपके मित्रगण हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो हो सकता है बेटा जी आपका फोन हो हो सकता है आपका स्नैपचैट के लिए एडिक्शन हो हो सकता है इंस्टाग्राम की रील्स के लिए एडिक्शन हो हो सकता है हो, हो स्ट्रैटेजी हमने सोचा ही नहीं था ये जो भी चीज ये सारी चीजें बेटा आपको दूर कर रही है इन चीजों को अब आपको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मना कर देना है मतलब अब पानी यहां तक आ चुका है मैं हर साल बोलती हूँ यार पानी को यहां मत आने दो कि सांस लेना बंद हो जाए पानी तक तक गले तक भर चुका है, है, सांस आ रही है, खाना भी खा सकते हो, नाक और मुंह अभी भी ओपन है, यानी कि डिटेल हैच एंड एवरी मिनट फॉर योर प्रेपरेशन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जो चल रहा था उसे चलने दीजिए पता क्या करना है लोग अभी इस समय वीडियो बनाएंगे वॉट आर द डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है इस सात मंथ में क्या उखाड़ लोगे नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं मंथ में शायद मुझे भी बनाना पड़ जाए यार ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स मुझे भी बनाना पड़ जाए बट मैं आपको ना हमेशा कोई वीडियो भी बना दू तो मैं बिल्कुल सच बोल देती हूँ मैं आपको फेक चीजें नहीं बताऊंगी अब ये कर लेना तीन महीने एक महीने का फिजिक्स का ये टारगेट है केमिस्ट्री का ये टारगेट है बायो का ये टारगेट है दैट वर्क लाइक दैट किसी और के टारगेट से आपकी तैयारी नहीं होती ई एम विजिबल टू माई सेल्फ हाँ हो गया हो गया पता नहीं यार अचानक से कैमरा बंद हो गया था फिर खुद से ऑन हो गया चलिए मैं बता रही थी इट ड वर्क लाइक दैट आप किसी और के बनाए हुए टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर सकते मैं आपको आज बोलूं आप लिविंग वर्ल्ड कर लो आप न्यूरल सिस्टम कर लो आप रिप्रोडक्शन कर लो भाई तुम ऑलरेडी कर चुके हो यू आर प्रोव इन दैट वाई वुड यू डू दैट अगेन तो किसी और के टारगेट किसी और के दिए गए गोल्स से आप तैयारी नहीं करते हैं तो इस समय आप जब वो वीडियो देखेंगे ना बेटा डूज एंड तो तुमको पता है जो तुम कर रहे हो वही डू करना है वही चीज करनी है रेगुलर क्लास लगानी है, रिविजन करना है टेस्ट की तैयारी करनी यही है आपका डूज Don'ts पे ज्यादा फोकस करना है क्या नहीं करना है तुमको पता तो है लेकिन अब तक तुमने छोड़ा नहीं था

तुम सब क्लास फ्लास लगाते हो मुझे पता है तुम सारे टेस्ट की तैयारी करते हो मुझे पता है जहां से भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बस अब जो नहीं करना है और वो तुम अभी भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा कर रहे थे इंस्टॉल कर लेते थे मैसेज कर देते थे अनब्लॉक कर देते थे बीच बीच में है ना कंट्रोल नहीं हो रहा था तो अब बेटा उन पर हंड्रेड परसेंट स्टॉप लगाने का फुल स्टॉप लगाने का समय आ चुका है 100% परसेंट फुल स्टॉप लगेगा बेटा अब बीच में रियायत नहीं मिलेगी अब बीच में लीनियंसी नहीं मिलेगी इसको ना क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं समझ नहीं पा रही हूं रुक जाओ मी जस्ट चेक हाँ, मैं थोड़ा सा प्लग को टाइट करके आती हूँ रुक जाइए दो मिनट जस्ट अ सेकेंड है नहीं प्लग तो टाइट है आई एम नॉट श्योर एनी बेटा वापस चल जाएगा ये थोड़ा सा बिहेव कर रहा है आज अपने आप को एनीवे anyway, तो बेटा हमने शुरू किया था यहाँ पर इकोलॉजी वापस आ जाते हैं अपने इस पे राइट right, बेटा हमने क्या शुरू की थी इकोलॉजी इकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स हो चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी यही दो चैप्टर थे इसके बाद जो चैप्टर बचाना सच्चाई बता दो इस चैप्टर की बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बेटा इस चैप्टर की सच्चाई ये है कि दिस चैप्टर कंटेन्स 90% ऑफ ओनली 10% ऑफ हार्ड टू सच है इसमें 90% सिर्फ़ रटने का है इतना परसेंट ये है इतना परसेंट ये है इतने, इतने बर्ड्स है इतने प्लांट है इतने एनिमल है और सवाल बिल्कुल डायरेक्ट आता है इट्स फैक्चुअल चैप्टर इसमें कुछ ज्यादा नोट्स बनाने का है नहीं ये आप एनसीआर से भी अपने शॉर्ट नोट्स बना के कर सकते हैं लेकिन वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कौन सी चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी है ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये चैप्टर हम दो हिस्सों में कवर करेंगे हाफ पार्ट इसका हम आज करेंगे हाफ पार्ट इसका हम कल करेंगे ये चैप्टर बिल्कुल जनरल नॉलेज की तरह है। आपने सेवंथ क्लास तक मैंने तो सेवन्थ क्लास तक जी थी हमारे स्कूल में मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कब तक थी मैंने सेवेंथ क्लास तक जी पढ़ी है जी याद है ना कैसे होता था हाथ रख के लगते होते थे वो फिलिंग द ब्लैंक होते थे एंड हम पहले लर्न कर लेते थे फिर हम हाथ रखते थे ऊपर अच्छा कैपिटल ऑफ दिस कंट्री कैपिटल ऑफ दिस स्टेट नंबर ऑफ स्टेट नंबर ऑफ कंट्री ये चैप्टर वैसा है हाथ रख के पढ़ने वाला चैप्टर है अच्छा प्लांट इतने थे रॉबर्ट मैंने ये बोला पॉल एर्लिक ने ये बोला इसने इस साल में ये बोला इंसेक्ट सबसे ज्यादा थे फनजाई सबसे ज्यादा थे एंजोस्पम सबसे ज्यादा थे ये चैप्टर हाथ रख के पढ़ने वाला है तो इसमें दिमाग ज्यादा समझने में नहीं दिमाग लर्न करने में लगाने है। इस चैप्टर का सबसे बड़ी चीज जो बच्चे जिसके जैसे मात खाते हैं इसमें ये सबसे स्कोरिंग है। है। क्योंकि कुछ बाहर से आ ही नहीं सकता। पूरा चैप्टर बच्चा जब ये चैप्टर उससे पढ़ता है किससे पढ़ता है ये अपनी एनसीआरटी से जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो एनसीआरटी से चैप्टर पढ़ने के बाद लगता है यार ये ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं हमें लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी क्यों हुई कैसे हुई ये चैप्टर ये तो मुझे आता है रीड कर लिया रीड करने के बाद जब आप सवाल निकालने चलेंगे पेपर में बैठेंगे पेपर में बेटा ऐसा लगेगा यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा देखा देखा सवाल लग रहा है और याद नहीं आ रहा ये चैप्टर में ऐसे ही लगते हैं सारे सवाल देखे देखे लगते हैं पर याद नहीं आते हैं क्यों क्योंकि जीके की तरह चैप्टर लर्न करने वाला था क्या एक बारी लर्न करके क्या एक बारी रीड करके होगा नहीं

अपनी कॉपी में या एनसीईआरटी के बगल में नोट करना है जब हम इसको नोट कर लेंगे तब यार हम उसे अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे नहीं तो पूरी एनसीईआरटी तुम अंडरलाइन कर लोगे कुछ नहीं पता चलेगा क्या कहाँ था ठीक है जी तो दूसरी चीज इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज के समय पर वैलिड नहीं है मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं एनिमल्स कितने हैं अब एक्चुअल में नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया है डिस्कवर्ड uh, प्लांट्स कितने हैं नेशनल पार्क्स कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है असल में नंबर ज्यादा हो गया बट हमारा पेपर वो नहीं है कि रियलिटी क्या है हमारा पेपर ये है कि यार एनसीआरटी क्या कहती है तो एनसीआरटी बेटा इसमें जो कहती है कि यार चार है तो चार यस वी हैव टू ओहो ओहो पता नहीं यार आज इस कैमरे को क्या हो रहा है दिस हैज हैजेपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट थ्री इयर्स कि अचानक से बंद होके चालू हो जाता है चलो छुपन छुपाई खेल रहा है हमारे साथ खेलने दीजिए खेलने दीजिए शुरू करें बेटा इस चैप्टर को यस मैंने एक चीज बताई थी जब ये कैमरा गायब हुआ था वो चीज

वैसे असल में भी इस चैप्टर के दो हिस्से हैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही देखेंगे कि यार पूरे विश्व में क्या बायोडाइवर्सिटी का स्तर है क्या लेवल है कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं उन स्पीशीज में एनिमल्स कितने हैं प्लांट्स कितने हैं एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट सबसे ज्यादा है या कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा है प्लांट्स के अंदर कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा है तो ये सारे फैक्ट्स यानी कि सारे फैक्ट्स कि कितना डाइवर्स है हमारा इंडिया हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है क्या उसके रीजंस हैं क्यों इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लान क्यों बोला जाता है क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वेराइटी होती है और अपने टेम्परेट रीजन एल्पाइन रीजन में कम होती जाती है ये सारे फैक्टर्स चैप्टर का पहला हिस्सा बनाते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड है जो अपन को ना चाहते हुए भी लर्न करना पड़ेगा कुछ बच्चों को ये बहुत आफत लगती है कि अरे यार रट्टे मारने पड़ रहे हैं कुछ बच्चों के लिए यही सबसे अच्छी चीज है यार दो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने हैं अब दो क्वेश्चन तो बड़े आसान है दिमाग कम लगाना पड़ रहा है सिर्फ लर्न करना है तो ऐसे सोचा करो यार पॉजिटिव सोचा करो हर चीज के बारे में सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ द द चैप्टर इज डील्स विद कंजर्वेशन पार्ट हम यहाँ पे सिर्फ ये बातें नहीं करेंगे कि डायवर्सिटी कितनी है हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि धीरे धीरे पूरे विश्व में डाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, है ना प्लांट स्पीशीज गायब हो रहे हैं हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स का लॉस हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और ऐसा नहीं है बेटा कि बस लॉस की बात कर ली ये ये गलत हो रहा है हम उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे आप कंजर्व कर सकते हो क्या आप इन सीट कंजर्वेशन कर सकते हो या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हो इस चैप्टर में से मोस्ट जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कंजर्वेशन वाले पार्ट से एंड एक क्वेश्चन बेटा यहाँ बायोडावर्सिटी से बनेगा तो आपको मोटा मोटा पता चल चुका है हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ओके जी बहुत बढ़िया बात है अब चलते हैं बेटा इस चैप्टर पे नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं पहला है बायो दूसरा है डायवर्सिटी बायो का क्या मतलब होता है जिंदगी लाइफ जीवन हम मतलब यहाँ पर जीवित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जीवित व्यक्ति एक सेल एक टिश्यू एक ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है सिंपल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है डाइवर्सिटी इन जीवित सेल की इन जीवित ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे वैरायटी के बारे में बात करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बायो डायवर्सिटी टर्म है, टर्म बाय वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो जो लिखवाऊंगी ना बस वो याद करना है बाय पॉप्युलराइज बायशियोबायोलॉजिस्ट कौन थे ये एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे दीनी थी बेटा इन्होंने टर्म को पॉपुलर किया था क्या नाम है इनका एडवर्ड विलसन क्या नाम है मेरे साथ-साथ बेटा प्रॉमिस करते हैं कि यार इन दो दिनों में मैं जो जो चीजें लिखूंगी वो आप साथ-साथ लर्न करते जाएंगे कर सकते हैं हां जी मेरे बच्चों बताएं क्या आप मेरे साथ-साथ लर्न कर सकते हैं इन सब चीजों को मतलब फोकस से अगला 1 घंटा बैठेंगे और इस 1 घंटे में सब कुछ यहीं पर बैठे-बैठे लर्न करके जाएंगे यही खासियत है बेटा हमारी क्लासेस की, की हम होमवर्क नहीं छोड़ते हैं होमवर्क सिर्फ रीडिंग है वो भी मैं आपको साथ साथ कराई देती हूँ क्लास के दौरान ही बट हाँ कोशिश करें कि पार्ट आप यहीं से लर्न करके पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन अब इतना याद होना चाहिए ठीक है अब ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है इट इज कंबाइंड डाइवर्सिटी एट लेवल्स राइट फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर लेवल की डाइवर्सिटी हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है देन सिस्टम की भी डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम डेजर्ट है? है आपका वाटर इको है फॉरेस्ट है एक्वेरियम है सो मेनी इकोसिस्टम्स है ना तो हम इस चैप्टर में हर लेवल की डायवर्सिटी को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे की भी डायवर्सिटी है हमने देखे चार पॉपुलर बायोम कौन से है सो so, हेयर छोटे से छोटा लेवल, से? लेवल अगर मैं बात करूं तो माइक्रोमोलिक्यूल का आ जाएगा कि मेरे बॉडी के अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल है ठीक है माइक्रोमोलिक्यूल विद इन द सेल सेल की डायवर्सिटी सेल के अंदर जो जीन्स है उनकी डायवर्सिटी देन बेटा अलग अलग स्पीशीज है उनकी डायवर्सिटी अलग अलग इको है उनकी डाइवर्सिटी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अलग अलग बेटा जी जो बायोम्स है वो भी कितने डाइवर्स है सब सेम तो नहीं है ना यार सब सेम तो नहीं है कितनी ज्यादा वैरायटी है हमारे पास प्लांट्स की बैक्टीरिया की एनिमल्स की इंसेक्ट्स की फनजाई की इन सब की डाइवर्सिटी को हर लेवल पे देखे तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें मोटी मोटी किताबें भर जाएं बेटा ठीक है तो ये सारी चीजें हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं अब यार मैंने इतने लेवल्स पर आपको बायोडाइवर्सिटी बता दी बट हम इस चैप्टर में थ्री मेजर लेवल्स पे पढ़ेंगे ठीक है हम इस चैप्टर में बेटा जी थ्री मेजर लेवल्स पे पढ़ेंगे मेजर मेजर लेवल लेवल बताए तो मैंने बहुत सारे बट बेटा हम इस चैप्टर में लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे होंगे पहला लेवल जेनेटिक लेवल दूसरा लेवल स्पीशी लेवल तीसरा लेवल इकोलॉजिकल लेवल ठीक है सो लेवल नंबर वन इज गोइंग टू बी द जेनेटिक लेवल ऑफ दायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल जेनेटिक लेवल का क्या मतलब है यार एक ही ऑर्गेनिज्म के या एक ही जीन की में कितनी वैरायटी है तुम देख रहे हो एक जीन के कितने अलील होते हैं कितने सारे अलील हो सकते हैं राइट विद इन सेम जैसे राइस एक स्पीशी है राइस की कितनी वैरायटी है ये मोटा बासमती ये छोटा बासमती है ये वाला ये वाला ये ये वाला कितनी वेरायटी है वैसे ही बेटा आम आम की कितनी वेराइटी है दशहरी खा रहे हैं और अल्फानसो खा रहे हैं और बेटा आपका वो कौन सा होता है चूसने वाला लंगड़ा आम खा रहे हैं कितनी ज्यादा वैरायटी यानी कि जेनेटिक लेवल पर देअर इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज़ वैरायटी उसको जब हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक वैरायटी यानी कि विद इन सेम स्पीशी राइस एक स्पीशी है उसमें कितनी सारी वैरायटी है मैंगो एक स्पीशी है उसमें कितनी सारी वेरायटी है करेला एक स्पीशी है उसमें कितनी सारी वेरायटी है इस

सेम स्पीशी, यानी कि इट इज डाइवर्सिटी एट विच लेवल डायवर्सिटी एट लेवल ऑफ़ जीन्स, है कि नहीं? डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू अलील ऑफ जीन, है कि नहीं यस विद रिस्पेक्ट टू अलील ऑफ जीन, यस समझ आ गया समझ आ गया कि यार इस जीन के कितने तरीके के अलील है इस जीन के कितने तरीके के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स हैं उस लेवल पे अगर मैं डायवर्सिटी को पढूं यार वो क्या कहलाती है जेनेटिक डायवर्सिटी इस जेनेटिक डायवर्सिटी से पॉपुलेशन को अडेप्ट होने का मौका मिलता है बेटा हम सब एक ही स्पीशी का पार्ट है तुम भी ह्यूमन हो मैं भी ह्यूमन हूं सारी क्लास ह्यूमन की है बट हम में से बेटा सम पीपल वुड बी मोर अडेप्टेबल टू तो द एनवायरमेंट सम नॉट

ये जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या मदद होती है कि ऑर्गेनिज्म जिसके पास बेटर वैरायटी ऑफ जीन्स हैं जो कि सर्वाइवल एडवांटेज दे रहे तो वो अडेप्ट है है कि नहीं यस सो इट नहींबल्स क्या काम है इसका पॉपुलेशन टू अडेप्ट समझते जाना है एक एक चीज को समझते जाओगे तो कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा टू इट्स एनवायरमेंट है ना इट एनेबल्स पॉपुलेशन टू टू देयर एनवायरमेंट मतलब विद इन स्पीशीज हम सबके जीन्स अलग हैं है तो हम सेम स्पीशी एक आदमी जल्दी बीमार हो जाता है एक आदमी बहुत जल्दी बीमार नहीं होता है एक आदमी बेटा ऐसा है जिसको कम समय में सारी चीजें ग्रास कर लेता है एक आदमी को समय लगता है यार बिकॉज वी आर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ जीन्स ठीक है जी यस yes? तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया राइस की कितनी सारी वेराइटीज हैं अलग अलग तरीके का चावल है एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीआर बहुत अच्छे से बताती है दैट इज रावल वॉमिटोरिया राउू वुल्फिया मैं भी आपके एनसीआरटी भी साथ में दिखाऊंगी वॉमिटोरिया ये एक बेटा प्लांट है जिसको ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ठीक है ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल जो कि रेजर पाइन किसमें किस लेवल का रेजर पाइन है उस हिसाब से बेटा इसकी बहुत सारी वेराइटीज है ये एक प्लांट है यूज टू तो ट्रीट ट्रीट treat, treat करते हैं ब्लड प्रेशर को इसमें बहुत सारी वेरिएशन है एक ही स्पीशी हुआ ना वेरिएशन है इस राउू मॉमिटोरिया में कुछ species, कुछ ऐसे होंगे जिसमें रेजर पाइन का कंसेंट्रेशन कम है कुछ ऐसे होंगे जिसमें रेजर पाइन का concentration ज्यादा है तो एक ही स्पीशी के अंदर ये जो वैरायटी हुई ये ये जो डाइवर्सिटी हुई ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई है ना एक ही स्पीशी है ना है? एक स्पीशी है अब इसमें अलग अलग जो वेरायटी आई है डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ पाइन जो कि इसका एक्टिव केमिकल है जिसको हम बीपी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं तो ये किस डाइवर्सिटी का पार्ट हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी का पार्ट हो गया है ठीक है जी तो ये सबसे पहला मैंने आपको बताया ज जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगले लेवल पर पढ़े मैंने बोला तीन मेजर लेवल है तीन मेजर लेवल है यह सारे नोट बैठा जी आपको मेरे टेलीग्राम सीत पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे ठीक है जी सेकेंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एट स्पीशी लेवल ऑफ डाइवर्सिटी स्पीशी डाइवर्सिटी हां जी मैंने बच्चों स्पीसी डाइवर्सिटी मतलब कोई एक एरिया है क्या वहां पर सिर्फ ह्यूमन है नहीं वहां पर डॉग भी है कैट भी है माउस भी है प्लांट भी है फंजाई भी है और बेटा जी साथ में यू कैन जस्ट नेम एनी दिस इज स्पीशी डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशी दो एरियाज हैं ये एरिया ए है ये एरिया बी है, है इस जगह पर ए बी सी डी ई एफ इतने सारे स्पीशी प्रेजेंट है इस जगह पर सिर्फ ए और बी स्पीशी प्रेजेंट है तो यार स्पीशी डायवर्सिटी किसकी ज्यादा हुई फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई ना येस फर्स्ट वाले की ज्यादा हुई यानी कि स्पीशी डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशी डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशी समझ आ रहा है ना बेटा समझ आ रहा है यस मेरे बच्चों बताए अच्छा हाँ इधर मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा राइस का लिख लीजिए दोबारा एग्जाम्पल राइस का और किसका एग्जाम्पल दिया था आम का अब यार राइस की कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है कितने टाइप की वराइटीज आप जानते हो अराउंड पचास हजार वेराइटी बेटा जी आप राइस की जानते हैं मैंगो की तकरीबन हजार वराइटीज हमें पता है खाते तो हम दो तीन वेराइटीज ही है. है ना तो अगर कोई पूछे कि यार ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है राइस की है या फिर बेटा मैंगो की है तो तुम बोलोगे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है बेटा जी आपके राइस की है ठीक है किसकी है राइस की है अब हम आ चुके हैं स्पीशी डाइवर्सिटी पे स्पीशी डाइवर्सिटी मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज अब इंडिया में तुमको पता है यार इंडिया का नीचे से अगर मैं मैप देखूं, देखो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट नीचे बेटा जी आप कोस्टल लाइन को जानते हैं है ना कोस्टल लाइन को जानते हैं कौन सा साइड ईस्ट होता है दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट है ना जी यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा ये कौन से घाट्स होंगे वेस्टर्न घाट्स होंगे ये वाला एरिया कौन से घाट्स होंगे ईस्टर्न घाट्स होंगे

इवननेस का मतलब होता है कि यहां पर जो टाइप ए वाला स्पीशी है उसके कितने मेंबर हैं तुम बोलोगे ए वाले के मेंबर 100 हैं बी वाले के मेंबर 50 हैं सी वाले के मेंबर 30 है दैट इज इवननेस दोनों चीजें यहां काउंट होंगी स्पीशी की रिचनेस भी और स्पीशी की इवननेस भी ठीक है जी तो क्वेश्चन आता है आउट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स किसके पास ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी और उन्होंने स्पीशी भी बता दिया है दैट इज सो विच वन हैज मोर स्पीशी डाइवर्सिटी तुम बोलोगे वेस्टर्न घाट्स में स्पीशी का जो डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस का जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है यस yes, मेरे बच्चों यस yes, ये मैं सब तुम्हें अभी वहां से पढ़ाऊंगी और एक चीज याद रखना बेटा इस चैप्टर में एक लाइन भी बाहर से नहीं आएगी एक लाइन भी बाहर से नहीं आएगी ये किस मामले में बात की गई है डाइवर्सिटी एक स्पीशी ले लिया इन्होंने कौन सा ले लिया डाइवर्सिटी किस में ज्यादा होती है पीवाई क्यू रह चुका है वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा होती है ओके जी चलिए सेकेंड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हो गई तीसरे टाइप की डाइवर्सिटी कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझ आ रहा है वैसे तो अभी कुछ है नहीं इतना जिकल डाइवर्सिटी यस अब ये कह रहे हैं किसी एक एरिया में इकोसिस्टम देख लो इंडिया में देख लो यार कितने तरीके के इकोसिस्टम सिस्टम है हमारे इंडिया में डेजर्ट है नो yes no बोलते जाना हमारे इंडिया में डेजर्ट है हाँ हमारे इंडिया में डेजर्ट है हमारे इंडिया में हिल्स है हाँ, हमारे इंडिया में हिल्स हैं हाँ क्या हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्ट है हाँ हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्टी है क्या हमारे इंडिया में ओशन है हाँ हमारे इंडिया में ओशन भी लगते हैं तो नंबर ऑफ इको किस जगह पर ज्यादा है वो सिंपल आपकी इकोलॉजी डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना मतलब ये डाइवर्सिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एट इको सिस्टम लेवल की मेरे पास दो कंट्रीज हैं एक चलते हैं अपने कनेडा पे एक चलते हैं अपने इंडिया में कहा पर एकोसिस्टम जाता है भाई कैनेडियन कंट्रीज जो कि वेस्टर्न साइड पे हैं वो थोड़ा ऊपर है ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर है ग्लोब देखा ना ऑर्गेनिजम पॉपुलेशन में दिखाया था ऐसा ग्लोब कि अपन लोग इंडिया जो है वो सेंटर में आता है हमको बहुत चीजें फेवर करती हैं सनलाइट हमको फेवर करता है हमारे यहाँ काफी ज्यादा सनलाइट होती है फ्लक्चुएशन जो है वो कम होती है एक्सट्रीमिटीज कम होती है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई है कि घर से नहीं निकल पा रहे नहीं तो नंबर ऑफ इको किसके पास ज्यादा होंगे इंडिया के पास ज्यादा होंगे ना एज कम्पेयर टू कैनेडा है ना जी तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज विद रिस्पेक्ट टू तो इको सिस्टम नंबर्स ठीक है जी यस कम्युनिटी लेवल पे अपने लोग बात करेंगे सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इको सिस्टम्स ठीक है मतलब हम पूरी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी देख रहे हैं किसकी डाइवर्सिटी बेटा जी देख रहे हैं हम लोग पूरी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी देख रहे हैं जैसा कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया ए, डिफरेंस ले लेते हैं इंडिया का और जैसे मैंने अभी कनाडा के लिए वैसे ही तुम नॉर्वे में देख लो अब किस जगह पर नंबर ऑफ इकोसिस्टम ज्यादा होंगे भाई इंडिया के अंदर कितना ज्यादा वैरायटी है तुम इंडिया के अंदर डेजर्ट भी देखते हो तुम इंडिया के अंदर माउंटेन भी देखते हो तुम इंडिया के अंदर मैंग्रूव्स भी देखते हो सारी चीजें तुमको मिल जाती है नॉर्वे में क्या देखते हो ठंड 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 है ना वेरी कोल्ड रीजन एक्सट्रीम वेदर होते हैं यहां पर इतना वेराइटी नहीं है वहां पर अब तुमको डेजर्ट नहीं दिखेगा वहां मैंग्रोव्स नहीं दिखेंगे सो अगर इकोलॉजिकल लेवल की बात की जाए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो ज्यादा रिच कौन है ज्यादा रिच बेटा जी इंडिया है मान गए मान गए बेटा जी ये बात यस तो आप पे क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ नॉर्वे एंड इंडिया विच वन इज मोर डाइवर्स इकोलॉजिकली तुम्हें देखना है देखो सिंपल सी बात है अगर तुमसे पूछ ले वन इज मोर डाइवर्स जेनेटिकली तो नंबर ऑफ जीन्स किसके ज्यादा है नंबर ऑफ वैराइटीज किसकी है तो तुम वो देख लोगे विच वन इज मोर डाइवर्स एट द स्पीशी लेवल तो नंबर ऑफ स्पीशी गिन लेना स्पीशी रिचनेस एंड स्पीशी इवननेस अगर तुमसे पूछ ले इको सिस्टम लेवल पे बताओ इकोलॉजिकल लेवल पे बताओ तो नंबर ऑफ इको सिस्टम गैस कर लेना जरूरी नहीं है वहां पर नॉर्वे दिया हो कोई भी और कंट्री का नाम दे सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत रीजन से कि ट्रॉपिकल है या है या कौन सा रीजन है कि इसमें इकोसिस्टम ज्यादा होंगे तो जिसमें जिस क्या है कम है इज दिस क्लियर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन लेट मी टेक यू थ्रू आवर ये चैप्टर uh, uh, का एनसीआरटी ठीक है ये देखो मैंने तुम बताया सारे लेवल्स पर हम डायवर्सिटी जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल का लेवल विद इन द सेल टू बायोम्स है ना आप पेज देखते जाइए आप नोट्स देखते जाइए कि हमने कैसे बनाए ये देखो यहाँ पे मैंने तो माइक्रो से बायोम्स तक लेके गई हूँ वही बात आपकी एनसीआरटी कर रही है माइक्रो से बायोम्स ने की थे एडवर्ड विल्सन याद हो गया बताते जाना साथ-साथ याद हुई कि नहीं हुई ठीक है इन्होंने थ्री लेवल्स मेजर बताए वैसे तो बहुत सारे लेवल थे स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल टू बायोम्स बट पहला लेवल कौन सा था जेनेटिक लेवल था जिसमें सिंगल स्पीशी यानी कि ये जो लेवल है ये विद इन सेम स्पीशी है विद इन सेम स्पीशी वाला ये लेवल है ठीक है एग्जाम्पल इसमें किसकी दी हुई है राउबुल्फिया की दी हुई है जो कि हिमालयन रेंज में पाया जाता है जिसमें अलग अलग अलगेंट्रेशन है किसकी रेजर पाइन की दूसरी चीज बेटा जो इसमें याद करनी है यही के यही याद करोगे राइस की वराइटी कितनी है? पचास हजार मैंगो की कितनी है हजार तो ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स कौन सा हुआ चावल नॉट मैंगो अगले चलते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी एट स्पीशी लेवल इसमें एग्जाम्पल किसका दिया वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ज्यादा डाइवर्स बेटा जी कौन सा हुआ वेस्टर्न घाट चलो जी

ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा तो ये सारी बातें हमने बिल्कुल डिटेल में लिख ली हैं आई होप आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो जो बच्चे मेरी बुक की तारीफ कर रहे हैं थैंक यू सो मच गाइज आज गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सारे बच्चों को मेरी बुक रिसीव हो चुकी है जिन बच्चों को नहीं पता बेटा मैंने बुक लिखी है दैट इज एनसीआरटी थ्री सिक्सटीन बायोलॉजी इस बुक में आपको सब मिल रहा है यू आर गेटिंग एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन एट टू लेवल्स लेवल वन लेवल टू यू आर गेटिंग माइंड मैप्स यू आर गेटिंग रैशनलाइज क्वानीआर टी यू आर गेटिंग लास्ट टेन ईयर पी वाई क्यू और ये सारे क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं हर चैप्टर का ट्रेंड मिल रहा है, किस का कितने वेटेज है। हर चैप्टर रीजन अलग से स्टेटमेंट बेस्ड अलग से न्यूमेरिकल अलग से और इन द ब्लैंक्स अलग से साथ में बेटा जी इवेंट बेस्ड नए मैंने एड किए वो अलग से हर चीज बेटा मैंने कोशिश करी एग्जाम्पलर भी में डाल दी यानी कि ऑल इन वन बायोलॉजी। इसके अलावा तुम्हें और कोई प्रैक्टिस बुक लेने की जरूरत नहीं है जो बच्चे जिन बच्चों को आज मिली है प्लीज जाकर रिव्यू जरूर करिए लिखिए उसके बारे में जैसा आपको फील होता है फोटो डालो वीडियो डालो वहां पर जरूर रिव्यू करो ये हेल्प करता है बुक को जिन बच्चों ने नहीं ली है वो एमेजॉन पर जाके चेकआउट कर सकते हैं आप एमेजॉन पर मेरा नाम ही डालोगे बुक आ जाएगी ठीक है ओके चलिए अब चलते हैं कि यार ग्लोबल लेवल पे क्या डायवर्सिटी है आई क्या कहता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ठीक है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी किसने लिस्ट दी अकॉर्डिंग टू आई यू सी एन दो हजार चार वॉट इज आई सी एन अजीब इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये फुल फॉर्म लिखवाने की जरूरत नहीं है छोटे होते जीके का ही क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दो हजार चार के मुताबिक हमारे पास टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं हैं ये कहते अकॉर्डिंग टू आई सी एन ट्वेंटी एज इट इज आ सकता है आई यूसी ट्वेंटी फोर के मुताबिक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है अपनी सो so फार बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्ड सो so फार याद करोगे मेरे साथ

बात तो एक ही है वैसे स्लाइटली मोर देन पंद्रह लाख है सत्रह लाख और अठारह लाख लेकिन दोनों चीजें अलग अलग दी हुई हैं अलग अलग चैप्टर्स में अगर मैं बिल्कुल फैक्ट पे जाना चाहूं तो मैम पेपर में हमें क्या लिख के आना है 1.5 चूज करें या 1.7 मिलियन चूज करें देखिए बेटा पेपर ऐसा कभी नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आएगा जिसमें दोनों ऑप्शंस हो ठीक है जी यूजुअली मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन इसमें लिविंग वर्ल्ड वाले से ही आता है मतलब आप टाइप ऑफ ऑप्शंस देख के समझ जाएंगे कि यार क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी का है या फिर लिविंग वर्ल्ड का है आज तक इस वाली लाइन में बायोडाइवर्सिटी का सवाल नहीं आया इस वाली लाइन में से लिविंग वर्ल्ड का सवाल आता है और लिविंग वर्ल्ड कहता है कि डाइवर्सिटी सो फार कितनी है 1.7 मिलियन है, बट हां इस चैप्टर में स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन लिखी हुई है ठीक है जी ये कहते हैं ये कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन में तो बहुत सारे ऐसे स्पीशी भी हैं जो डिस्कवरी नहीं हुए है ना ये कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जिसमें काफी डाइवर्सिटी होती है बहुत सारे ऐसे स्पीशी हैं विच आर नॉट येट डिस्कवर्ड ठीक है जी नॉट येट डिस्कवर्ड अब क्या कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं सम साइंटिस्ट फैक्ट्स देखिए कुछ साइंटिस्ट ने बोला साइंटिस्ट ने बोला कि यार मेरे पास टोटल स्पीशी कितने हैं टोटल स्पीशी कितने हैं ये कह रहे हैं तकरीबन 20 से ना 50 मिलियन होंगे कितने होंगे 20 से 50 मिलियन ये टोटल स्पीशी है ये पूरी बायोडाइवर्सिटी है समझ रहे हो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी सो फार इसमें प्लांट एंड एनिमल है इसमें सारे इन्वॉल्व कर लो सारे स्पीशी इन्वॉल्व कर लो ये कह रहे हैं बीस से पचास मिलियन है बट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट में कौन आए रॉबर्ट में रॉबर्ट में कहते हैं यार इतना नहीं है कितने है सेवन मिलियन है रॉबर्ट में क्या कहते हैं कि भैया इतना नहीं है बीस से पचास मिलियन नहीं है एक्चुअल लेवल लेवल कितना है आपका 7 है आपका मिलियन का अब इसको यहां से पढ़ लें बेटा फट फट ले, यहां से आ जाओ मेरे साथ बात किसकी करी साथ साथ देखते जाओ अकॉर्डिंग टू आई यूसी हजार चार टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज स्लाइटली मोर देन इस, इस वर्ड पे फोकस कर रहे हो स्लाइटली मोर देन वन पॉइंट फाइव मिलियन है हमने क्या कर दिया लेकिन अभी हमें आइडिया नहीं है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं ठीक है जी ये चीज आपके लिविंग वर्ल्ड में थोड़ी सी अलग दी गई है. अलग दी दी गई गई है 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 ठीक भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्पीशी जो कि ट्रॉपिकल एरिया में दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड अभी वो डिस्कवर ही नहीं हुए सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 टू 50 मिलियन बट मोर कंजर्वेटिवली एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट बाय रॉबर्ट मे कहता है कि ग्लोबल डायवर्सिटी ना बीस या पचास मिलियन नहीं है सात मिलियन है इस पूरे पैराग्राफ का जिस्ट ये है चार लाइनों में मैंने तुम्हारे जिस्ट यहां लिख दिया पूरे पैराग्राफ को देखो ऐसे तो लर्न नहीं हो पाएगा जब तक हम इस पैराग्राफ को इस वे में नहीं लिखेंगे तब तक लर्निंग इम्पॉसिबल है इस चैप्टर की तो हम ऐसे पैराग्राफ वाइज चलते जाएंगे एक पैरा यहां से देखा उसके जिस्ट को नोट कर लिया याद करो मेरे साथ आई यूसी ने में डिस्क्राइब किया कि प्लांट एंड एनिमल इस बायोडाइवर्सिटी में किसको इंक्लूड कर रही हूँ प्लांट एंड एनिमल को कर रही हूँ प्लांट एंड एनिमल ये कहता है कि यार कितने हैं स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन दूसरा बेटा यहाँ पे पता चला कि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे ऐसे स्पीशी जो कि डिस्कवर नहीं किए हुए फिर एक्सट्रीम एस्टिमेट्स ये जो एस्टिमेट है ये कैसा है एक्सट्रीम एस्टिमेट है ये कहता है कि भैया हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बीस से पचास मिलियन होगी लेकिन थोड़ा और कंजर्वेटिवली किसने सोचा रॉबर्ट मैंने सोचा उसने बोला यार बीस से पचास मिलियन मत करो कितनी होगी सात मिलियन होगी कितनी होगी बेटा जी सात मिलियन होगी याद हो गए मेरे बच्चों क्या नाम है रॉबर्ट मे नाम है यार मे में आपका एग्जाम है ना याद रहेगा देखो मैं मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू हाउ वी डिड द प्रीवियस चैप्टर्स क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही फैक्ट बेस्ड है अगर हम इसको पैराग्राफ वाइज एन को लेके साथ में नहीं चलेंगे तो आप खो जाएंगे आप पढ़ के भी आपको ऐसे लगेगा कि यार कुछ याद नहीं हुआ पेपर के सामने आके ऐसा लगेगा सब पढ़ के आए थे लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है इस चैप्टर को करने का यही एकमात्र तरीका है साथ साथ एनसीआर को पैरावाइज पैरावाइज इंपॉर्टेंट चीजें हम लर्न करते जाएंगे ठीक है जी यस yes, लर्न करते जाएंगे ओके okay? जी मेरे बच्चों चले आगे चले आगे अब कहते हैं कि जितने स्पीशी डिस्कवर हो गए आउट ऑफ टोटल डिस्कवर्ड आउट ऑफ टोटल स्पीशी विच वर डिस्कवर्ड ये कह रहे हैं कि जितने स्पीशी आज तुम जानते हो ना अभी तो वैसे बहुत सारे स्पीशी डिस्कवर नहीं हुए जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में बैठे हैं। जितने स्पीशी तुम आज के टाइम पे जानते हो ना उसमें इनफैक्ट मोर देन सेवेंटी परसेंट इसको मोर देन सेवेंटी परसेंट कर लेती हूं ये क्या है एनिमल्स है बचे बाईस परसेंट तुम्हारे पास क्या है प्लांट्स है बेटा बेटा जी जी आपके पास क्या हैं? हैं। अब इस प्लांट्स किस -किस है? इस में में उन्होंने किस-किस को है? वो कह रहे हैं, फंजाय आ जाएगा ब्रायो आ जाएगा जिम्नो आ जाएगा जिम्नो आ जाएगा और एनजीओ आ जाएगा अब बच्चे के दिमाग में एक आता है कि मैम टेरिडो प्लांट नहीं होता क्या इसमें तो लिखा ही नहीं एनसीआरटी ने एनसीआरटी के लाइन लिख रही हूँ Out of total species discovered, more than 70% they belong to animal category and 22% around they belong to plant category. Plant includes algae, fungi, bryo, gymno and angio. Uh, inju. क्या टेरिडो नहीं आते टेरिडो भी आते हैं इसने बस यहाँ मेंशन नहीं किया इसने बस यहाँ मेंशन नहीं किया ऐसा क्यों होगा वैसे तो तुम खुद दिमाग लगाओ ऐसा क्यों होगा कि यार एनिमल्स ज्यादा है प्लांट कम है क्या कोई वाइल्ड गैस लगा सकता है वाइल्ड गैस यस yes, मेरे बच्चों वाइल्ड टेस्ट लगाइए ऐसा क्यों होगा कि एनिमल ज्यादा है लेकिन प्लांट कम है बेटा मैंने नहीं बोला शुरू से तो आपने नहीं किया मैंने नहीं बोला तो तुमने नहीं किया क्या सेशन को लाइक नहीं किया डिफोरेस्टेशन हाँ बात तो सही है देखिए ऐसा इसीलिए है क्योंकि एनिमल्स जो है वो बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं टू वर्ड्स चेंजिंग एनवायरमेंट ठंड पड़ती है तो कंबल उड़ लेते हैं गर्मी लगती है तो कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं है ना वी आर बेटर अडेप्टिव हमारे पास नर्वस सिस्टम है हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन काफी बेटर है एज कम्पेयर टू प्लांट्स बाकी बेटा हमें कोई दिक्कत होती है तो हम माइग्रेट भी कर जाते हैं लेकिन बेचारे प्लांट वो तो स्टैटिक है वो तो सीडेंट्री है एक जगह जहां पौधा उगा दिया अब ऊपर चाहे बाढ़ आए ऊपर बेटा चाहे धूप पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंड पड़े प्लांट अपनी लोकेशन चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता इसीलिए नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो प्लांट से नंबर ऑफ स्पीशी जो कि एनिमल्स के हैं वो प्लांट से क्या हैं काफी ज्यादा है ठीक है अब कहते हैं कि इस मोर देन सत्तर परसेंट में जो तुम्हारे पास एनिमल्स हैं इसमें से भी सेवेंटी परसेंट कौन है इसमें से भी सेवेंटी परसेंट बेटा जी कौन है आपके इंसेक्ट्स हैं

यही कह सकती हूँ सेवन आउट ऑफ टेन एनिमल्स दे आर इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऐसा क्यों क्योंकि वो ऑर्थ्रोपोड है ऑर्थ्रोपोड को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों बनाया गया है क्योंकि उनके पास काइटन का एक्सोस्केलेटन है जो उनको हर एनवायरमेंट में फे आ, हर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने की शक्ति देता है ठीक है ये हमने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा था ठीक है एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा था अब उन्होंने एक और एनालॉजी दी है क्या दी हुई है ये कहते हैं कि मेरे पास जितने टोटल फंजाई है इसका मैं फोटो भी दिखाऊंगी आपको टोटल नंबर ऑफ फंजाई इज मोर देन टोटल नंबर ऑफ फिशेस टोटल नंबर ऑफ फिशेस एम्फिबियन तुम देखो कंपेयर किसको किया है रेप्टाइल एंड मैमल यस किसको कंपेयर कर दिया बेटा फंजाई तो इन्होंने अभी प्लांट में डाल लिया धान दो सबका फोकस इधर फंजाई तो बेटा इन्होंने किस ग्रुप में डाली है प्लांट ग्रुप में डाली है अभी खुद ही डाली है इन्होंने असल में नहीं होती है बट डाल दी इन्होंने प्लांट ग्रुप में अब प्लांट ग्रुप का एक फंजाई को कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम एनिमल्स फिशेज एम्फीबियन रेप्टाइल मैमल ये सब एनिमल्स में आते हैं तो यहां पर इस लाइन में जो कंपैरिजन है वो फंजाई का विद ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल्स है ठीक है तो। इस पैराग्राफ को देख ले फटाफट से ये वाला पैराग्राफ अपने देख लिया था आ जाओ मेरे बच्चों इस पैराग्राफ पे आ जाओ इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि टोटल बायोडाइवर्सिटी में सत्तर परसेंट दे आर एनिमल्स लिख लिया हमने मैच करते जाओ बेटा जी मैच करते जाओ सेवेंटी परसेंट एनिमल्स है वाइल्ड प्लांट्स कितने हैं नो मोर देन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू से ज्यादा प्लांट नहीं है प्लांट में इसने किस किस को इंक्लूड किया फोकस करना एल्गी है। है, फंजा है ब्रायो है जिम्नो है एनजियो है क्या नहीं है टेरिडो नहीं है एक एक लाइन पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ऐसा फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा फैक्ट वाली स्टेटमेंट आएगी स्टेटमेंट में एक भी ला, एक भी भी वर्ड खुद का नहीं ऐड करना है एक भी वर्ड भूलना नहीं है ठीक है जी चलिए अब कह रहे हैं एनिमल्स में से सत्तर परसेंट कितने हैं आपके इंसेक्ट्स हैं ठीक है कहाँ गया हाँ इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशी रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप मोर देन सेवेंटी परसेंट क्या है आपके इंसेक्ट हैं

इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेज में से आपको सवाल आएगा ही आएगा हाँ जी फंजाई किधर है? फोकस करना सब बच्चे इस पेज को खोल लो ये पेज साथिश मैमल्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ऊपर बैठे कि हमने पिछली लाइन में फंजाई और इन सबको कंपेयर किया किया कि नहीं किया है ना तो याद रहेगा टोटल नंबर ऑफ फंजाई मोर देन इन टोटल नंबर ऑफ मैमल्स एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इज दिस क्लियर कि यार एनसीआरटी की इस लास्ट लाइन में हमने किस किस को कंपेयर किया है कह रहे हैं कि फंजाई के स्पीशीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीस जिस जिसको ये लाइन समझ आई सेशन को लाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो प्लीज मेरे से बात किया करो सेशन जब खत्म हो जाता है कमेंट जरूर किया करो एक कमेंट बहुत मैटर करता है बेटा सेशन के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एन आपको इस आ, रटने वाले चैप्टर की यहीं रटा के जाऊं एंड यहीं पे समझा के जाऊं इस चीज को बाय हार्ट हम इस चैप्टर को कल खत्म करने वाले हैं है ना कल खत्म कर देंगे और परसों अपना

invertebrates का उठाओ फटाफट से सबसे पहला पाई चार्ट आ जाओ मेरे साथ मैं इधर हो जाती हूँ हाँ जी सबसे पहला आपने पाई चार्ट किसका उठाया invertebrates का उठाया ये सारे invertebrates हैं तुमको पता है यस yes, मेरे बच्चों combat का सिलेबस बेटा आपको लिंक पे क्लिक करने पे नहीं आ रहा है क्या मैं पता करके बताऊंगी बेटा कीप ऑन फॉलोइंग माय टेलीग्राम आप सब लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल जब आप उस पर जाएंगे आपको वहां पर सारी डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूछ के बता दूंगी आपको ठीक है बट उसमें yes, आई फोन फिफ्टीन मिल रहा है यस आई फोन फिफ्टीन एमेजॉन के बहुत सारे वाउचर्स बाउचर्स एंड नाइन्टी परसेंट स्कॉलरशिप एंड साथ में बेटा जी बहुत सारा ज्ञान मेजर थिंग इज ज्ञान आईफोन वीफोन बाद में आ जाते हैं ज्ञान बाद में नहीं आ सकता चलिए इन वर्टिब्रेट पे आइए बेटा इन वर्टिब्रेट में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है इंसेक्ट का हमको पता है सबसे बड़ा मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट इज इंसे इंसेक्ट के बाद आता है अदर एनिमल ग्रुप ये इसके बाद आते हैं मोलस्का इसके बाद आते हैं क्रस्टेशियंस है कि कि नहीं नहीं है नहीं मेरे बच्चों यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखू इन वर्टिब्रेड्स में लिखू तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा इधर लिखते हो इंसेक्ट आ गया इंसेक्ट के बाद आएंगे अदर एनिमल्स अदर एनिमल्स के बाद आएंगे मोलस्का मोलस्का के बाद आएंगे क्रस्टेशियंस ऑर्डर याद होना चाहिए देखो अब इस पाई चार्ट को वो तुम्हें पाई चार्ट बना के पूछ सकते हैं इस पाई चार्ट में से तुमसे लिखा नहीं है लेकिन ये बना हुआ है तो तुम्हें इस पाई चार्ट पे बेस्ड स्टेटमेंट भी लिखी हुई आ सकती है तो आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी से बाहर है उसने फोटो दे दी फोटो को उससे तुम्हें लाइन में पूछ लिया है ना पूछ सकता है तो ये ऑर्डर याद हो गया इंसेक्ट्स अदर एनिमल्स मोलस्का एंड एंड्रस्टेशन बस याद करना इसको अब आ जाइए बेटा जी किस पे वर्टीब्रेड्स पे यस yes, मेरे बच्चों किस पे आ जाइए वर्टीब्रेड्स पे ये वर्टीब्रेड्स है फिशेज मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स रेप्टल एम्फेबियन जी सबसे पहले कौन है अपने फिशेस ठीक है फिशेस के बाद कौन आ रहे हैं बर्ड्स बर्ड्स काफी बड़ा ग्रुप है बर्ड्स के बाद बेटा जी कौन आ रहे हैं आपके रेप्टाइल आ रहे हैं हाँ रेप्टाइल के बाद मैमल और एम्फीबियन आ रहे हैं ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं बट एम्फीबिन का जो नंबर है वो नेचुरली uh, ज़्यादा होता है सबसे पहले आए फिशेस मैं यहाँ लिख देती हूँ फिशेस के बाद आए आपके बर्ड्स बर्ड्स के बाद आए आपके रेप्टाइल यहाँ तक तो क्लियर है वैसे तो एम्फीबियन और मैमल बराबर लग रहे हैं बट मैं एम्फीबियन पहले लिख लेती हूँ एम बाद में लिखती हूँ क्योंकि एक्चुअल में की ज़्यादा होती है बट आप सेम भी कर सकते हो कैसे याद करेंगे कैसे भी पूछा जा सकता है? Account, to, सुनना, मुझे बताना है true, true, false, ध्यान बेटा इदर, में दे रही हूं फिशेज होल्ड फॉर सेम बायोडाइवर्सिटी

ये लाइन लिखी तो नहीं हुई कहीं बट ये लाइन बनी तो हुई है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पाई चार्ट में से पूछे जा सकते हैं इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था बच्चों को एफ बी पे राम फेसबुक फेसबुक पता है ना तुमको फेसबुक पे राम तो कितने हैं राम कपूर राम शर्मा राम वर्मा राम सक्सेना कुछ भी हो सकता है तो एफ बी पर राम ये ए और एम दिखने में बराबर हैं, बट में है बट एक्चुअल में ए ज्यादा है एम से एफ बी पे राम एफ बी मतलब फेसबुक ठीक है याद हो जाएगा याद हो जाएगा चलो लास्ट वाले पे चलते हैं एफ बी में राम ओके चलो मूविंग ऑन टू प्लांट्स प्लांट्स पे आ जाइए प्लांट्स की बेटा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको किसकी डाइवर्सिटी दिख रही है फंजाई क्लियर ही दिख रहा है इससे पिछली लाइन में फंजाई और इन सब की डाइवर्सिटी को कंपेयर किया था बर्ड छोड़ के इन सब की डाइवर्सिटी को कंपेयर किया होता हैं सबसे ज्यादा कौन है बेटा जी फंजाई के बाद किसका नंबर आता है एंजियोस्पर्म का ऐसा आपको दिखाई दे रहा है बट असल में एंजियोस्पर्म की जो डायवर्सिटी है वो ज्यादा होती है तो मैं इसको लिखूंगी एंजियोस्पर्म देन बेटा जी आपके आएंगे फंजाई देन आपका आ जाएगा एल्गी एल्गी को ऐसे लिख लेते हैं देन बेटा जी आपके पास आ जाएंगे मोसिस ठीक है देन आपके पास आ जाएंगे फोन ठीक है एंड देन आपके पास आ जाएंगे लाइक ओके okay जी यस yes. तो कई जगह आपको फंजाई ज्यादा दिखेगी कई जगह आपको इंजुस ज्यादा दिखेंगे बट असल बात क्या है असल बात है बेटा इंजुस की जो डाइवर्सिटी है वो फंजाई से ज्यादा होती है सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ये आपका क्या है करेक्ट ऑर्डर याद रहेगा

कोई बात नहीं बेटा एक बच्ची कह रही है बेटा हां अब जैसे जैसे डेट आई है ना जैसे 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 आज डेट आई है आज अचानक से पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को याद हो जाएगा अचानक से याद आ जाएगा मेरा कितना पोर्शन एज अ बैकलॉग चल रहा है है ना अब तक सब सो रहे थे अब तक मामला क्या चल रहा था बड़ा रिलैक्स चल रहा था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पेपर पेपर तो पोस्टपोन भी हो जाते हैं आज अचानक से आपने अपना सिलेबस ट्रैकर उठा के देखा आज अचानक से आपको रियलाइज हुआ मेरी क्लास इलेवेंथ तो बिल्कुल बर्बाद है आज अचानक से आपने ये करके देखा बेटा आपको पहले पता था इलेवेंथ बर्बाद है टेंशन मत लीजिए टेंशन से कुछ नहीं हो सकता पैनिक करोगे कुछ भी सीख नहीं पाओगे जो आने वाले समय में सीखने वाले सात महीने कम नहीं होते हैं बेटा सात महीने बहुत होते हैं अगर आप एक एक दिन को हिसाब लगाओ चौबीस घंटे होते हैं एक दिन में इस चौबीस में से दस घंटे भी पढ़ लिए ना बेटा सिर्फ टेन आवर्स आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता पिछला भूल जाओ मेरा क्या बर्बाद है क्या किया क्या नहीं किया आगे का याद करिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ खत्म करेंगे हम इससे क्लास ट्वेल्थ खत्म कर देंगे अगले दो दिन में एक दिन बेटा इसका है एक दिन पोल्यूशन का है जैसे ही बेटा ये खत्म होगा उसके बाद वी वुड स्ट्रेट अवे एंटर टू क्लास इलेवेंथ

गूगल पर डालिए सीप पहुजा लिंक ट्री आपको हर चीज मिलेगी उस चैप्टर को वहां से एक बार निपटा डालो मैं भी करवाऊंगी लेकिन एक बार आप उसे निपटा डालें तो हर चीज हमने करी भी हुई है ऐसा नहीं है आपके पास डेटा नहीं है ऐसा नहीं है कि मान लो मैं एक दिन छुट्टी ले लू तो तुम्हारे पास काम नहीं है तुम्हारे पास बहुत काम है करने को क्योंकि आप मेरा पूरा लिंक ट्री आपके लिए बना हुआ है है ना जिस दिन मैं नहीं हूं उस दिन आप वहां से कोई एक चैप्टर पकड़ के रखा करो मेरे सारे अच्छे बच्चों ने पकड़ के रखा हुआ है चाहे वो क्लस का बच्चा चाहे वो यूट्यूब का है जो सच में अच्छा बच्चा है ना वो बताए क्या कर रहा है उसने एक चैप्टर साइड पे स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल फोटो बहुत बच्चों को मैंने बोला था उसको करने के लिए वो साइड पे चल रहा है, चार बजे फोटो करता है। इस तरीके से बेटा वो साइड बाई अपने और चैप्टर निपटाते जा रहे हैं आप अगर बिल्कुल डिपेंडेंसी दिखाएंगे कि यार लाइव क्लास होगी तभी आऊंगा तभी सिलेबस करूंगा ऐसे नहीं होगा खुद से करना पड़ेगा आप अब पंद्रह सोलह साल के नहीं है थोड़े से बड़े हो चुके हैं यू हैव टू ओन 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 योर योर ठीक है own, own जी सिलेबस कंप्लीट करना आपका एक तरीके से दायित्व है राइट right, मेरे बच्चों लाइव भी सब होगा रिकॉर्डेड मेरा ऑलरेडी पड़ा है जिसको बड़ी जल्दी है वो वहां से देखें जिसको तरीके से आराम से करना है वो यहां से देखें करवाऊंगी मैं सब कुछ सिलेबस आपका टाइमली हो जाएगा उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए जब मैं वन शॉट भी लेती हूं तब भी उतना ही डिटेल में कराती हूँ जितना डिटेल में आज करा रही हूँ सिर्फ मेरी स्पीड आगे पीछे होती है बाकी कुछ नहीं होता है हां जी मेरे बच्चों अब चलते हैं डायवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी हां जी क्या तुम निकाल सकते हो कि यार बैक्टीरिया की कितनी वैरायटी है वी कैन नॉट काउंट They are to count the of क्योंकि है। आप कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेक्सोनोमी से नहीं काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड है जिस तरीके से मैं गिनती हूँ उस तरीके से बैक्टीरिया की वराइटीज को नहीं गिन सकती हूँ ठीक है जी यस yes? बहुत सारे ऐसे स्पीशी भी होंगे बैक्टीरिया के जो तो लैब में कल्चर तक नहीं कर सकते वो वाइल्ड में प्रेजेंट है बट आप लैब में उसको कल्चर नहीं कर सकते डीएनए लेवल पर देखेंगे तो उनकी डायवर्सिटी कैन गो टू मिलियंस 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 तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज ठीक है जी ये तो प्रो क्रियोटिक डायवर्सिटी के बारे में साइंटिस्ट आर नॉट श्योर साइंटिस्ट दे आर नॉट श्योर हमें नहीं पता यार कितनी है क्यों हमको नहीं पता क्योंकि बेटा ये जो कन्वेंशनल मेथड है जैसे एक एक करके गिनना क्या गिन सकते हो बैक्टीरिया के स्पीशी नहीं गिन सकते कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेक्सोनोमी ये माइक्रोब पर एप्लीकेबल ही नहीं है नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रोब्स आप एक एक करके जैसे लाइन को गिरते हो प्लांट्स को गिनते हो वैसे आप एक, -एक करके माइक्रोब को नहीं गिन सकते पॉसिबल ही नहीं है ना माइक्रोस्कोपिक और बेटा बहुत सारे ऐसे स्पीशी भी हैं विच कैन नॉट बी ग्रोन इन लैब कैन नॉट बी ग्रोन इन लैब ये भी प्रॉब्लम है यार अब वाइल्ड में बैठा है वो कहीं बहुत गर्मी वाली सिचुएशन में बहुत ठंड वाली है कैसे गिने उसको पॉसिबल ही नहीं है लैब में आ ही नहीं सकता हूं और बेटा जी उसको अगर बहुत लोअर लेवल पे देखा जाए बायोकेमिकल लेवल पे देखा जाए या फिर मैं उसको किस पे देखूं डीएनए लेवल पर देखूं तो यार इसकी डाइवर्सिटी तो मिलियंस में चली जाएगी डाइवर्सिटी कैन गो टू मिलियंस क्या इतने को हम एनालाइज कर सकते हैं सोचो so, एक बैक्टीरिया की एक वायरस की डायवर्सिटी जा रही है मिलियंस में वी कैन नॉट एनालाइज दिस इज द रीजन वी कैन नॉट काउंट द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्रोकेरियॉर्ट्स इस वजह से बेटा हम नहीं कर सकते हैं यस yes, मेरे बच्चों नहीं कर सकते हैं चलिए ये बात आपकी कहाँ दी हुई है इस पैराग्राफ में दी हुई है

तुम्हारे पास कितना लैंड है और कितनी डाइवर्सिटी है देख लें एक बार ही चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं इंडिया के बारे में बहुत बात होती है जीडीपी इकोनॉमी इसके बारे में तो बहुत बात करते हैं आज थोड़ी सी इंडिया की वैसे बात करते हैं टोटल विश्व में अगर देखा जाए मान लो बेटा एक टोटल एरिया है इस टोटल एरिया में इंडिया के पास लैंड की बात करें तो टू पॉइंट फोर परसेंट इंडिया के पास एरिया है पूरे विश्व का पूरे ग्लोब का इंडिया के पास एरिया कितना है 2.4 परसेंट लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे मैं डाइवर्सिटी देखूंगी दैट इज 8.1 परसेंट ग्लोबल डाइवर्सिटी यार हमारे पास जगह तो बहुत कम है लेकिन हमारे पास डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है जस्ट टू पॉइंट फोर परसेंट है और स्पीशी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी अगर मैं देखूंगी तो कितनी है एट पॉइंट वन परसेंट है यानी कि लैंड से अगर मैं कंपेयर करूं तो फोर टाइम्स बायोडाइवर्सिटी है 4X हो गया ना 2, 4, 8 होता है होता है कि नहीं होता है हाँ फोर एक्स मेरे पास क्या हो गया आपकी ग्लोबल डायवर्सिटी हो गई यस yes, मेरे बच्चों अप्रोक्सीमेटली फोर टाइम्स या थ्री टाइम्स ले लो थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स आपका है अब इंडिया जो है ना इस वजह से इस वजह से वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्स कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में ठीक है सो इंडिया इज़ वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्स कंट्रीज वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्स कंट्रीज है याद करना है बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं कि यार वन ऑफ द ट्वेल्व लिखा मतलब इंडिया फर्स्ट है इंडिया फर्स्ट नहीं है इंडिया एक्चुअली एट्थ रैंक पे फर्स्ट ब्राजील है यस इसमें वैसे दिया नहीं हुआ ये चीज बट मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट कौन है आपका ब्राजील है और आपका इंडिया जो है वो रैंक कौन सा है एट्थ रैंक पर आता है किस रैंक पर आता है बेटा जी एट्थ रैंक पर आता है याद आ, याद रहेगा यस याद रहेगा ओके सो इंडिया इज वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड फर्स्ट पोजीशन दी जाती है ब्राजील को सेकंड वन किस एट्थ uh, वन किसको दी जाती है इंडिया को क्या है प्राउड मोमेंट है हमारे लिए हाँ काफी बड़ा है पूरे विश्व में डाइवर्सिटी में एट्थ रैंक पर आना काफी बड़ी चीज होती है अब इस इंडिया की अगर मैं बात करूं यहां पर फिर डेटा डेटा आपका दिया हुआ है इंडिया की अगर बात करें पहले हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे थे बेटा कितना प्लांट है कितना एनिमल है 1.5 मिलियन है 50 मिलियन है रॉबर्ट ने बोला नहीं 7 मिलियन है अब हम इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं इंडिया में हमने रिकॉर्ड किया कि यार प्लांट का स्पीशी कितना है 45,000 दिस यू हैव टू लर्न इंडिया में हमने देखा द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट दे आर 45,000 के का क्या मतलब होता है 45,000 एनिमल्स उससे जस्ट डबल है एनिमल्स इससे जस्ट डबल है कितना तो होता है 90 सबको पता है कितना होता है 90 सो so, आपको 90 भी लिखा हुआ आ सकता है ट्वाइस एज दैट ऑफ प्लांट भी लिखा हुआ आ सकता है ठीक है जी अब रॉबर्ट में ने क्या बोला फिर से बेटा जी कौन आ गए यहाँ पर रॉबर्ट में एक मिनट रुकिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर दू हाँ तो ये बात किसकी हो गई इंडिया की इसके बाद फिर से बेटा सीन में किसने एंट्री ली बारी बारी सीन में बेटा एंट्री लेते हैं अपने रॉबर्ट में रॉबर्ट में कहते हैं कि इस टोटल में से ओनली ट्वेंटी so मतलब ये कह रहे हैं, असल में फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लांट नहीं है नब्बे एनिमल नहीं ये तो जस्ट उसका बाईस परसेंट है असल में बहुत सारे प्लांट्स है बहुत सारे इसके अलावा एनिमल्स हैं मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 22% परसेंट ऑफ समथिंग इज फोर्टी तो टोटल कितना हो गया टोटल अप्रोक्सिमेटली आपका जाएगा एक लाख तो यार ये कहते हैं ये कहते हैं कि भैया एक लाख प्लांट ऐसे हैं जो कि नॉट डिस्कवर्ड है वन लाख प्लांट स्पीशीज दे आर नॉट येट डिस्कवर्ड ये कहते हैं कि अराउंड तीन लाख एनिमल्स हैं जो कि नॉट डिस्कवर्ड है क्योंकि जो तुम डिस्कवर्ड वाली ऊपर बात कर रहे हो कि यार 45,000 मेरे प्लांट हैं, 90,000 मेरे एनिमल हैं, वो तो जस्ट 22% है अभी तो अरे बाईस परसेंट छोड़ के मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना बच गया 22 माइनस करना 78 एट स्टिल नॉट डिस्कवर्ड ठीक है जी तो एक लाख प्लांट कहने अभी तुम्हें पता ही नहीं कौन है और तीन लाख एनिमल ऐसे जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं ठीक है जी मतलब कह रहे हैं कि ये जो तुमने बात की ये तो जस्ट बाईस परसेंट था सेवेंटी एट परसेंट तो तुमने डिस्कवर ही नहीं किया सेवेंटी एट परसेंट अगर मैं काउंट करने जाऊंगी तो वन लाख ,00 प्लांट और थ्री लाख ,00 एनिमल्स आ जाएंगे क्या ये डेटा याद हुआ क्या मेरे बच्चों ये डेटा याद हुआ सबको इंडिया लेवल की बात हो गई पहले हमने ग्लोबल लेवल की बात की थी अब हम इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं इंडिया के पास मेरे साथ फिर से रिवाइज करिए इंडिया के पास लैंड कितना है टोटल का टू डाइवर्सिटी कितनी है अराउंड एट पॉइंट वन परसेंट कितना टाइम्स है फोर टाइम्स है ठीक है जी फोर टाइम्स है इंडिया की बात करें तो कह रहे हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड हमारे पास किसके स्पीशी है प्लांट आ, प्लांट के इससे जस्ट डबल नाइनटी थाउजेंड कितने एनिमल के फिर रॉबर्ट में आए रॉबर्ट मैंने बोला यार ये जो तुम पढ़ रहे हो ये तो जस्ट बाईस परसेंट है अभी सेवेंटी एट परसेंट है वो तो डिस्कवर ही नहीं हुआ मतलब एक लाख एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर एक लाख प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए तीन लाख एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं ओके okay जी चलिए अब आते हैं अगले पोर्शन पे भैया ऐसा क्या चीज है कि इंडिया इज सो डाइवर्स हमारे पास हम एट्थ रैंक पे क्यों आ रहे हैं हम एट्थ रैंक पे क्यों आ रहे हैं वॉट आर द फैक्टर्स दिच अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी फैक्ट्स खत्म अब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं अब आसान आसान चीजें आएंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी लर्न हो रहा है ना साथ साथ यस yes, मेरे बच्चों क्यों क्यों ऐसा है और इसमें हम थोड़ा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायो डाइवर्सिटी यस मेरे बच्चों सब बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं है ना चलिए सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है लैटीट्यूडनल ग्रेडियंट लैटीट्यूडनल ग्रेडियंट हां जी बेटा ये कैसा फैक्टर है ये कहता है कि यार ये तुम्हारा ग्लोब है ये तुम्हारी धरती है बना ली धरती धरती में हमको पता है कि यार ये जो बीच का हिस्सा होता है यहां बना लेते तो इक्वेटर ठीक है ये कौन सा हिस्सा होता है इक्वेटर इक्वेटर यानी कि यहाँ पर अपने ट्रॉपिक्स हैं ठीक है ये ऊपर वाला भी ट्रॉपिक्स है देन मेरे मेरे पास बेटा यहाँ पर आ जाता है टेम्परेट रीजन ठीक है ये वाला भी टेम्परेट रीजन है टेम्परेट के बाद बेटा जी यहाँ पर आ जाते हैं मेरे पोलर रीजन ठीक है जी तो ये मेरा इक्वेटर है ये सारा हिस्सा मेरा ट्रॉपिकल है नीचे जाओगे तो टेम्परेट है यह मैंने बड़ा पढ़ाया था आपको पिछले चैप्टर में नीचे जाओगे तो पोल्स है ऊपर भी जाओगे तो क्या है पोल्स है ठीक है जी अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तुम जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा मतलब ऊपर जा रहे हो या फिर तुम नीचे जा रहे हो ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा मतलब पहाड़ों पे जा रहे हो ठीक है वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होगी यानी कि यानी कि मैं एक इक्वेशन लिख सकती हूं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑल्टीट्यूड के यस और नो हुआ ना बायोडाइवर्सिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई जैसे जैसे आप पहाड़ पर गए या जैसे जैसे आपने लैटिट्यूड इंक्रीज किया जैसे जैसे आप सेंटर से पोल की तरफ जा रहे हो डाइवर्सिटी कम हो रही है ये तो आपको पता ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है ऊपर तुम ग्लेशियर्स में ऊपर पोल पोलर रीजन पे चले जाओगे आर्कटिक रीजन एंटार्कटिक रीजन डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी सो इंक्रीज इन लैटिट्यूड विल डिक्रीज द डाइवर्सिटी इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड विल डिक्रीज द डाइवर्सिटी ऑल्टीट्यूड प्लस लैटिट्यूड कर देती हूँ दोनों चीजें आ जाती हैं बढ़ना मतलब ट्रॉपिक से पोल पे जाना ऑल्टीट्यूड बढ़ना मतलब पहाड़ों पे जाना ये दो चीजें हैं बेटा ये आपके पहाड़ है जैसे जैसे बेटा जी मैं पहाड़ों पे ऊपर जाती जाऊंगी ना वैसे वैसे भी मेरी डाइवर्सिटी कम होती जाएगी डाइवर्सिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग तो दो चीजें हो गई पहला लैटिट्यूड बढ़ने से भी डाइवर्सिटी कम हुई दूसरा ऑल्टीट्यूड बढ़ने से भी डाइवर्सिटी कम हुई ठीक है जी ऑल्टीट्यूड बढ़ने से भी डाइवर्सिटी क्या हुई कम हुई यानी कि जितना जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे ये सेंटर वाला क्या है इक्वेटर इक्वेटर से दूर जाते जाओ डायवर्सिटी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी यानी कि बेस्ट एरिया सबसे ज्यादा डायवर्सिटी आपको ट्रॉपिक्स में मिलेगी है ना सबसे ज्यादा बेटा जी डायवर्सिटी ट्रॉपिक्स में मिलेगी दिस इज अगर मैं इसकी लैटिट्यूडनल रेंज बनाऊ दैट इज ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ टू ट्वेंटी डिग्री साउथ यहां पर आपको सबसे ज्यादा डायवर्सिटी मिलती है तो अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी कहां ज्यादा है आउट ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी कहां ज्यादा है यस yes. हंसते रहिए हंस है. रहे हैं बीच में कोई बात नहीं बेटा ये कह रहे मैम प्लीज ब्लॉक आर सेइंग बैड वर्ड्स अबाउट यू बट आई डोंट गिव डोंट गिव अ डैम आप एक लाइन लिखिए मैं तो कहती हूँ आप दस लिखिए क्योंकि तो जब आपके बारे में कोई भी बुरा बोलता है ना तो मेरे पाप नष्ट होते हैं बेटा तो मुझे तो ब्लैसिंग्स मिल रही है मेरे तो पाप कट हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं है ना तो बेटा जो बच्चे बोल रहे हैं वो बच्चे नहीं है वो कुछ और, कोई और भी हो सकते हैं हमें नहीं पता बड़े हैं टीचर है बच्चे हैं क्या है कौन है और जो भी है ना बेटा उनके संस्कार सामने आते हैं आप यहाँ मुखौटा पहन के किसी और का नाम यूज करके इस हिडन uh, प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से हिडन आई कांट सी यू आई कांट टेल कि आप कहाँ बैठे हैं आप अपने माँ बाप की स्मृति है यहाँ पर है ना मतलब वट एवर यू से वट एवर यू स्पीक हाउ यू एक्सप्रेस वट आर योर मैनर्स ये दर्शाता है कि आप अपने पेरेंट्स से क्या सीख कराए हैं और मुझे बहुत दुख होता है जो बच्चे ऐसा लिखते हैं कि यार वो अपने पेरेंट्स से ये सीख कराए हैं आपके साथ कि बुरा हुआ सिंपति इज विदी इज विद है ना तो अब मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ किसी को आओ बोलो इंटरेक्शन बढ़ रहा है बेटा आप बोलेंगे इंटरक्शन बढ़ेगा वीडियो और ऊपर जाएगा हाँ और आपके लिए तो बेटा यही सोचते हूँ कि यार आप अपने माँ बाप की स्मृति है जैसा आप बोलेंगे ये दर्शाता है कि आपको कैसी परवरिश मिली और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपको आपके साथ ये माहौल आपको मिला है ठीक है जी इसको ठीक करने का तो मेरे पास तरीका नहीं है क्योंकि आप यही सीख के आए हैं क्या कर सकते हैं और आपके एस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं आपको बुरा इसलिए नहीं लगना चाहिए आपको खुश होना चाहिए बेटा क्योंकि ये मेरे नॉकनॉक गाइस हैं दो साल से मैं इनको क्या बोल रही हूँ गाइस गाइज नॉकनॉक समझते ना यार हम चल रहे थे चल रहे थे चल रहे थे अरे क्लास चल रही है थोड़ा सा गंध फैला दू आए निकल गए नॉक फिल करते हैं लेकिन ऐसे बच्चों का नहीं होता, है। तो 22 तो लाख में से आपको क्या लगता है नॉक knock गाइस कितने छह सात लाख तो यही है सिक्स सेवन लैक्स आर नॉक नॉक गाइस good नॉट सीरियस don't गुड मैनरिज्म नो हाउ टू स्पीक not नो बेटा हाउ टू एक्सप्रेस जिन्होंने आज तक कुछ नहीं सीखा है तो आप भी बेटा उनके साथ सिंपथाइज करिए गलती उनकी नहीं है ये सब उनके संस्कार है क्या कर सकते हैं है ना क्या कर सकते हैं हम अपने पे फोकस कर सकते हैं राइट मेरे बच्चों अपने फोकस कर सकते हैं आप खुश हो जाया करो कि भाई ये बंदा फॉर्म तो भरेगा क्या नाम था बच्चे का सोहम नाम था पता नहीं क्या ये बंदा फॉर्म तो भरेगा लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो इसकी सीट तो मेरी है भाई इसकी सीट तो क्या है मेरी ही है राइट चलिए यस yes. चलो नहीं बेटा सिलेबस पे कोई अपडेट नहीं आया पूरा सिलेबस है अभी तक चलिए मेरे बच्चों ये हमने बात कर ली अबाउट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट सब बच्चे कर चुके हैं समझ आ चुके हैं ये चीज हाँ जी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यार कि ज्यादा डाइवर्स कौन सा है टेम्परेट रीजन ज्यादा डाइवर्स है ट्रॉपिकल वो क्वेश्चन ही भूल गई हूँ फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए ज़्यादा डाइवर्स कौन सा है यस yes, मेरे बच्चों ज्यादा डाइवर्स कौन सा है आपका ट्रॉपिकल रीजन दिस इज मोर डाइवर्स देन द टेम्परेट रीजन इन्होंने बेटा एग्जाम्पल भी दिया किस मामले में एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिला है हमें एग्जाम्पल मिला है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीशी ऑफ बर्ड्स यस मेरे बच्चों किसके हिसाब से बेटा हमें एग्जाम्पल मिला है बर्ड्स के बारे में तो यार बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं बर्ड्स की स्पीशी यारे काउंट कर रहे थे किसके काउंट कर रहे थे बर्ड्स की स्पीशी काउंट कर रहे थे तो सबसे पहले इन्होंने कोलंबिया के पास एक जगह इक्वेटर में इक्वेटर में क्या प्रेजेंट है कोलंबिया ठीक है तो मैं इसको ना रोको वो करती हूँ उसी तरीके से लिखते हैं हम्म दिख रहा है फिर से मैं अर्थ बना रही हूं यस बर्ड्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन में इन्होंने एक जगह चूज करी एंड ट्रॉपिकल रीजन में बेटा जी हमने चूज किया कोलंबिया को किसको चूज किया कोलंबिया कोलंबिया में हमने देखा जो के पास है, वहां हमने देखा कि इक्वेटर कितने मिला न्यूयॉर्क क्यों कौन मिला बेटा जी न्यूयॉर्क इसको थोड़ा सा और ऊपर करो न्यूयॉर्क को बीच में यार इंडिया की भी जगह बनानी है ठीक है इंडिया में हमने देखा इंडिया में बेटा टोटल नंबर ऑफ स्पीशी कितने बारह सो बारह सो इंडिया भी इंडिया का बहुत मेजर पार्ट बेटा जी आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है देन टेम्परेट रीजन में चलते हैं टेम्परेट रीजन में बेटा जी हमने देखा न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क में हमें कितने स्पीशी मिले एक सौ पांच स्पीसी मिले कितने मिले एक सौ पांच देन थोड़ा पोलर रीजन में जाइए पोलर रीजन में आ जाता है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड में हमने देखा यार कितने स्पीशी है फिफ्टी सिक्स स्पीशी है यानी कि जैसे जैसे बेटा जी आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो या फिर मैं बोलूँ टेम्परेट से आप पोलर ट्रॉपिकल से आप टेम्परेट में गए टेम्परेट से आप पोलर रीजन में जा रहे हो डाइवर्सिटी घटती जा रही है बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप ऊपर गए डाइवर्सिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग है ना जैसे जैसे देखो कोलंबिया ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी इंडिया का भी काफी हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में ट्वेल्व हंड्रेड देन टेम्परेट रीजन में कौन आया न्यूयॉर्क एक सौ पांच स्पीशी है और ग्रीनलैंड जो कि पोलर रीजन में वहां कितनी स्पीशी है बेटा जी फिफ्टी सिक्स स्पीशी है ठीक है जी yes, यस यहाँ कितने स्पीशी है फिफ्टी सिक्स स्पीशी है एक तो यार ये वाला एग्जाम्पल है एक तो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में आपका ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल बेटा जी ये सब मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा डो नॉट वरी इसको मैं डब्बे में डाल देती हूं yes. दूसरा एग्जाम्पल बेटा जी हुआ है का। किसका दिया हुआ है? के स्पीशी का वास्कुलर प्लांट स्पीशी का ये कहते हैं कि यार में एक जगह है जिसका नाम है एक्वाडोर एक्वाडोर बेटा जगह है के प्लांट के स्पीशी एक्वाडोर में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए ये सब एनसीआर टी की एग्जाम्पल है बेटा वहां पढ़ के लाइन फॉर्म में याद नहीं रहती है इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिखवा रही हूँ ट्रॉपिकल रीजन में एक्वाडोर है और आपके टेम्परेट रीजन में क्या है मिड वेस्ट ऑफ यूएसए है कह रहे हैं वास्कुलर प्लांट के स्पीशी टेन टाइम्स मोर है एक्वाडोर में एज कंपेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए कितना अंतर है अंतर बेटा जी है यहाँ पर टेन टाइम्स टेन टाइम्स मोर है इन ट्रॉपिकल रीजन एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन याद रहेगा इधर आ जाती हूँ मैं अब दिखेगा कैन यू सी दो एग्जाम्पल बेटा जी मैंने यहां पर बताई किस किस की बताई पहला मैंने बर्ड्स की पॉपुलेशन बताई इन डिफरेंट एरियाज देन मैंने आपको वास्कुलर प्लांट्स के बारे में बताया

अर्थ uh, पे कौन है एमेजॉन रेन फॉरेस्ट एमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन जो हमारे पास है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नन अदर देन एमेजॉन रेन फॉरेस्ट है ना तो अगले पेज पे चलते हैं दैट इज एमेजॉन फॉरेस्ट यस मेरे बच्चों एमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहां पर है साउथ अमेरिका में कहां पर है बेटा जी थक तो नहीं गए बस खत्म कर रहे हैं बेटा आ, अमेरिका लिखना था अमेरिका लिख दिया अरे कहां पर है बेटा जी साउथ अमेरिका में इनको क्या बोला जाता है ये बेटा जी अपने फेफड़े हैं प्लैनेट के है ना ये क्या है बेटा जी लांग्स ऑफ प्लैनेट दे आर कॉल्ड एज लांग्स ऑफ प्लानट ऐसा क्यों बोला जाता है यस yes, ऐसा क्यों बोला जाता है क्योंकि बेटा ट्वेंटी परसेंट टोटल ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं से आता है यस ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा जी यहीं से आता है कह रहे हैं हैं कि इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं और ये डेटा तक इन्होंने दिया हुआ है अब कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं क्या हमको वो डेटा याद करना है अनफॉर्चुनेटली यस yes, हमें वो डेटा क्या करना है याद करना है तो मेरे साथ साथ आ जाओ यहां पर बेटा जी अराउंड फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज हैं फोर्टी थाउजेंड फोर्टी के मतलब फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज हैं किसके प्लांट्स के मेरे साथ साथ थ्री थाउजेंड स्पीशीज बेटा जी किसकी हैं फिशेज की है यहां पर बेटा जी अराउंड थर्टीन हंड्रेड क्या हैं बर्ड्स हैं बर्ड्स की स्पीशीज हैं पर अराउंड स्पीशीज कितने हैं एनिमल्स के बेटा असल में तो ये नंबर ज्यादा होगा बट एनसीआर दिया हुआ है तो अपन को यही याद करना है स्पीशीज किसके हैं रेप्टाइल के याद करना है बारी बारी देखोगे तो हो जाएगा ठीक है फोर ट्वेंटी सेवन अगेन कितने हैं आपके एम्फीबियन के ये मैमल्स के बराबर ही है देखा यहां से तुम्हें पता चला एम्फीबियन और मैमल्स राम राम वाला बराबर है असल में थोड़ा सा एम्फीबियन ज्यादा होता है बट बटिया इन्होंने क्या दे दिया बराबर दे दिया और कह रहे हैं एक लाख पच्चीस हजार वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या है इनवर्टी ब्रेड्स है इनवर्टी ब्रेड्स है ठीक है और कह रहे हैं कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इन कमिंग ईयर्स अराउंड टू मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज विल बी डिस्कवर्ड ये कह रहे हैं इसके ऊपर एक और चीज सुन लो एक और चीज सुनिए कि यार इन कमिंग ईयर्स पता है कितने इंसेक्ट डिस्कवर होने वाले हैं यहाँ से टू मिलियन इंसेक्ट विल बी डिस्कवर्ड ठीक है कितने आने वाले हैं टू मिलियन इंसेक्ट विल बी डिस्कवर्ड बहुत नंबर ही नंबर है बेटा मैंने आपको बताया ना ये चैप्टर नाइनटी परसेंट फैक्चुअल है फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, और बीस परसेंट होगा जो तुम्हें कुछ समझना होगा वैसे तो कुछ भी नहीं समझना है इसमें है ना देखो फटाफट से फोर्टी थाउजेंड एनिमल्स बारी बारी देखोगे तो याद हो जाएगा अब यार हमने देखा कि यार ट्रॉपिकल में इतना ज़्यादा अंतर है ट्रॉपिक्स में हर चीज़ ज़्यादा है हमने पहले बर्ड्स की पॉपुलेशन देखी फिर वैस्कुलर प्लांट्स के स्पीशी देखे और अब हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जो डेटा देख रहे हैं ये डेटा देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता है यार बड़ा गजब बात है कि वाई ट्रॉपिक्स आर सो फेवरेबल ट्रॉपिकल एरिया में ऐसी क्या चीज़ है जो टेम्परेट में नहीं है ऐसा क्या है भैया जो टेम्परेट में नहीं है लिख लिया ये लिख लिया यस yes, ये ट्री में भी डाल देती हूँ मेरी कम्युनिटी पे मिल जाता है टेलीग्राम पे भी मिल जाता है हर जगह मिल जाता है वैसे तो आप पे साथ साथ नोट्स बनाया करो साथ साथ नोट्स बनाया करो मेरे बच्चों ठीक है जी यस yes, ऐसा क्या है वॉट इज स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल रीजन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स ऐसा क्यों है क्योंकि बेटा आप पहला पॉइंट पहला पॉइंट क्या है यार Hmm. सबसे पहला पॉइंट आता है स्पीसिएशन वहां सबसे ज्यादा होती है स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक लाइन लिखी हुई है स्पीसिएशन इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखो टेम्परेट और ट्रॉपिक को अगर मैं कंपेयर करूं ज्यादा डिस्टर्बेंसेस कहाँ होती हैं ज्यादा डिस्टर्बेंसेज फ्लक्चुएशन कहाँ आती हैं फ्लक्चुएशन बेदर टेम्परेट रीजन में आती हैं ये जो मेरा ट्रॉपिकल रीजन है ना अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक्स की

ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत गर्मी हो जाए बहुत ठंडी हो जाए तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत कम है बहुत कम होने का मतलब है एक्सट्रीम नहीं है अचानक से बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं चले चला जाएगा इसका मतलब है कि यार वहां पर डिस्टर्बेंस बहुत कम होगी डिस्टर्बेंस विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट डिस्टर्बेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो क्या होगी लेस होगी इसका मतलब है वहां पर मोर स्पीशिएशन होगी ना स्पीशी भी चाहता है कि यार गड़बड़ मत करो अनफेवरेबल कंडीशन मत करो जबकि अगर मैं देखूं में हर ऑर्गेनिज्म हर स्पीशी सर्वाइव नहीं कर सकता इतने लो टेम्परेचर पर बट ट्रॉपिक्स का ऐसा टेम्परेचर चल रहा है जहां पर एवरी वन कैन पॉसिबली सर्वाइव है कि नहीं यस गले में दर्द होना शुरू हो गया यार फिर से धीरे बोले हम्म तो स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया अच्छा सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट आता है एन्वायरमेंट का आप जानते हैं ट्रेम्परे ट्रॉपिक्स पर जो तो एनवायरमेंट है वो गर्म है वॉर्म है एंड ह्यूमिड है ठंड नहीं है यानी कि फेवरेबल है लेस सीजनल है अलग अलग सीजन नहीं आते यार कि सर्दी हो रही है गर्मी हो रही है ऑलमोस्ट गर्मी टाइप है है, बीच का टेम्परेचर रहता है मोर कॉन्स्टेंट है प्रडिक्टेबल है मोर कॉन्स्टेंट प्रडिक्टेबल है जिसकी वजह से यहां पर नीच स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगा इट लीड्स टू नीच स्पेशलाइजेशन ठीक है अगर नीच स्पेशलाइजेशन होगा मतलब मोर स्पीशी डाइवर्सिटी ये बात शायद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि यार ट्रॉपिकल एरिया में नीच की जो स्पेशलाइजेशन है वो ज्यादा होगी क्योंकि तो यार टेम्परेचर एक ही रेंज में फॉल करता है एनवायरमेंट एक जैसे ही रहता है तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनका फंक्शनल रोल रोल इज नाउ स्पेशलाइज उनको क्या कर रहा है है ना नीच स्पेशलाइजेशन क्या है आपका ज्यादा है याद रहेगा याद रहेगा तीसरा पॉइंट आता है सन का है ना तीसरा पॉइंट बेटा जी क्या आता है सन का सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी अब तुम्हें पता है यार सेंटर में ज्यादा पड़ती है अर्थ के ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा होगी यहाँ पे मेरे पास ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर मोर सनलाइट है है ना जी ज्यादा पूरे अर्थ पे बराबर सनलाइट तो नहीं मिलती है तो यहाँ लाइट ज्यादा है तो मोर सोलर एनर्जी जितना ज्यादा सोलर एनर्जी होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा है ना यानी कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी तो फोटोसिंथेसिस थी ना प्रोडक्टिविटी यहाँ की क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी इतनी हाई प्रोडक्टिविटी वाइड रेंज ऑफ स्पीशी को और सपोर्ट कर पाएगी ठीक है जी यस yes. चौथा रीजन बेटा जी यहां पर क्या है यार यहां पर इंसेक्ट्स बहुत हैं ट्रॉपिक्स में मोर नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या फायदा है क्या फायदा है मक्खियां ज्यादा हैं मक्खी मच्छर ये सब ज्यादा हैं ये कौन है पॉलिनेटर्स यहाँ पर क्या होगी मोर क्रॉस पॉलिनेशन होगी इंसेक्ट ज्यादा ना यार इंसेक्ट आर द ग्रुप जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं मोर क्रॉस पॉलिनेशन होगी मोर वेरिएशन आएगी ठीक है जितनी ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतनी ज्यादा वेरिएशन और उतनी ही ज्यादा स्पीसिएशन है ना मक्खी मच्छर ज्यादा मोर द नंबर ऑफ क्रॉस पॉलिनेटर्स एजेंट ज्यादा बढ़ गए स्पीशीएशन भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी yes, मेरे बच्चों ओके सो आर द रीजंस जिसकी वजह से आपके जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है आपने नंबर भी यहां पर देख लिया है ठीक है जी तो ये बात हमने की अगर मैं इसको एनसीईआरटी से देखूं तो ये इंडिया की कहानी थी ये सारे मैंने आपको चीजें लिखवा दी हैं ये देखो मैं हर चीज को हाईलाइट कर रही हूँ एनसीआर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माइ टेलीग्राम आप टेलीग्राम पे जाएंगे सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल उसमें ऊपर सर्च करेंगे फाइल सेक्शन में जाके एनसीआरटी हाईलाइट आपको मिल जाएगा ओल्ड एनसीआरटी पढ़ी है साथ में लैटीट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में बात कर ली ये देखो लैटिट्यूड भी दिया हुआ ट्रॉपिकल रीजन का बर्ड्स का इन्होंने एग्जांपल दिया और किसका एग्जांपल दिया

क्या इस पैराग्राफ की फॉर्म में याद रहेगा नहीं लेकिन अगर मैं इस पैराग्राफ को ऐसे लिख दे रही हूं तो यार मुझे याद रहेगा मैंने वही किया यहाँ पर ठीक है देन बेटा जी ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है कि कितने प्लांट्स हैं कितने फिशेज हैं कितने एम्फीबियंस हैं ठीक है देन बताया कि यार ट्रॉपिकल में ऐसा क्या खास है पहले स्पीशी स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो समझा दिया मैंने तुम्हें ठीक है देन बेटा जी ट्रॉपिकल एनवायरमेंट कैसे हैं वो भी बता दिया लेस सीजनल है ग्रेटर डाइवर्सिटी है सोलर एनर्जी भी क्या है ज्यादा है इसके पीछे एक और रीजन uh, है दैट इज स्पीशी एरिया रिलेशनशिप यहां से बेटा मैं कल शुरू करूंगी स्पीशी एरिया रिलेशनशिप से हम लोग कल शुरू करेंगे कल बेटा मैं कुछ चीजें लिख के भी लाऊंगी आपके लिए ठीक है ये पीछे की चीजें मैं लिख के लाऊंगी क्योंकि सिंपल अंडरस्टैंड वाली है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नोट्स आपके लिए थोड़े से पहले से बना के लाऊं ताकि हम ये चैप्टर कल ही पूरा कर पाए ओके तो आज का समझ आया रोज चार बजे क्लास होती है फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स तरीके से सारे नोट्स बनाते हैं क्रैश है, है, कोर्स के भी, के भी. Yes, हो, गया, हो गया बहुत बढ़िया तो चलो बेटा मिलते हैं हम अगली कक्षा में सेशन को लाइक तो कर दो लाइक नहीं किया यार अच्छा लगता है समझ आता है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और साथ में बुक भी चेकआउट कीजिएगा एंड साथ में कमेंट जरूर करके जाना ओके okay? कल मिलते हैं शाम को चार बजे एंड बेटा इस तरीके से कछुए की चाल चलना है ऐसा नहीं है कि डेट आ गई है तो रैबिट बन जाना है खरगोश कभी कोई रेस नहीं जीतता पैनिक वाला कभी कोई रेस नहीं चलता कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू विन द गेम तो लोग जो पैनिक कर रहे हैं करने दो परेशान हो रहे हैं होने दो तुम जो कर रहे थे बस वो करते जाओ मैंने बोला डूज आपको पता है डूज में कुछ चेंज नहीं करना कुछ नया नहीं, नहीं करना डोंट्स को बंद करना है अब आज एक काम करना अपने डोंट्स खुद लिखिएगा कि यार मैं क्या क्या गलत करता हूँ आप सबको पता यार फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है या फिर वो स्नैपचैट है इंस्टाग्राम है या स्ट्रेटी का एडिक्शन है इन सबको लिख लेना और कल से बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए चीजें वो होंगी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होगा अगर बेटा नहीं करोगे वही बात होगी ना कि मैं जिम जाता हूँ लेकिन मैं रोज छोला भटूरा खाता हूँ क्या वो आदमी कभी फिट रह सकता है बताओ मैं रोज जिम करता हूँ लेकिन रोज छोले भटूरे खाता हूँ भाजी खाता हूँ वो आदमी कभी फिट नहीं हो सकता परहेज तो करना पड़ेगा है ना एक्सरसाइज करिए जैसे कि क्लास लगाइए लेकिन बिना परहेज के यानी कि बिना वो चीजें छोड़े आप कभी फिट नहीं हो सकते और सिर्फ फिट आदमी ही नीट क्रैक करने वाला है है ना तो एग्जांपल्स की कमी नहीं है मेरे पास एनीवे anyway, वे मिलते हैं कल की कक्षा में थैंक यू सो मच गाइस जो समझाया है उस पर मंथन करिएगा एंड कल मिलेंगे एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा थैंक यू गाइस बाय बाय